हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों और उसमें भारतीय जनता पार्टी की तीन हिंदी भाषी राज्यों में शानदार जीत के बाद क्या कांग्रेस हार से सबक लेगी? क्या लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने कांग्रेस के लिए जरूरी हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आपकी स्क्रीन पर यह है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश। जयराम रमेश ने 20 साल पहले की एक घटना की याद दिलाई है। अपने इस बयान में जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि 20 साल पहले भी हम सभी राज्य हार गए थे, मगर बावजूद उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें हमें शानदार जीत मिली। जयराम रमेश की याददाश्त में थोड़ी सी दुरुस्त करा दूं। उस वक्त यानी कि 20 साल पहले जब आप तमाम राज्य हार गए थे और फिर लोकसभा का चुनाव जीते थे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री होते थे। उस वक्त विपक्ष के खिलाफ एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं होता था। उस वक्त मीडिया सत्ता से सवाल किया करती थी। अब का भारत बदल गया है और इस वक्त आपका सामना इन दो चेहरों से है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास राजनीतिक सिपह सलाहकार अमित शाह। आपका सामना इन दो लोगों से है जयराम रमेश, और आपका सामना है बीजेपी के साम दाम दंड भेद, उनकी एजेंसीज, उनका मीडिया, उनका प्रचार तंत्र। मुगालते में मत रहिए, लाला लैंड में मत रहिए, और मुंगेरी लाल के सपने तो कतई मत देखिए। यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ दोस्तों। ये लोग अब भी 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, जबकि भविष्य में जो चुनौतियां दिख रही हैं उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। बड़ा सवाल यह कि जिन तीन राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है कि क्या कांग्रेस उस पर आत्ममंथन करने को तैयार है? आपकी स्क्रीन पर कमलनाथ। याद कीजिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले मानकर चला जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बहुत ही आसानी से कांग्रेस को जीत मिल जाएगी, मगर पिछले कुछ दिनों में एक और चीज हो रही थी। सबसे पहली बात, दिग्विजय सिंह, इन्होंने चंबल के इलाकों में और उन तमाम इलाकों में जिसका जिम्मा इन्हें दिया गया था, जो टिकट वितरण किया उसमें जबरदस्त असंतोष हुआ। अपने पसंदीदा लोगों को इन्होंने टिकट्स दिए। बड़ा सवाल यह, वो दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के चुनावों में हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, पीएफआई की बात कर रहे थे, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की बात कर रहे थे, यानी कि चुनावों को मुद्दों से जुदा कर रहे थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या कांग्रेस दिग्विजय सिंह सरीखे नेताओं से निजात पाएगी? सबसे बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर कमलनाथ। और कमलनाथ, दिग्विजय, दोनों में एक समानता है, इन दोनों में पुत्र मोह है। एक के पुत्र हैं नकुलनाथ जो कि छिंदवाड़ा से सांसद है, और एक के पुत्र हैं जयवर्धन सिंह, और ये दोनों ही अपने पुत्रों को भविष्य का चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। यह बात अलग है कि खुद कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, खुद कांग्रेस जानती है कि आखिरी कुछ दिनों में कमलनाथ ने सहयोग देना बंद कर दिया था कांग्रेस को। बात वहां नहीं रुकती, उन्होंने कांग्रेस आलाकमान की बातें भी सुननी बंद कर दी थी। उन्हें एक अहंकारी नेता के तौर पर देखा जा रहा था। सबसे बड़ी बात, क्या कमलनाथ जैसे नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी? वो कमलनाथ जो बागेश्वर धाम के सामने सिर झुका रहे थे, यानी कि चुनाव को मुद्दों से भटकने की इन्होंने कई वजह दी, वो कमलनाथ जो अपने सहयोगियों के बारे में अनर्गल बयान दे रहे थे, याद है आपको, जब समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का तनाव बढ़ गया था तब इन्हीं मान्यवर कमलनाथ ने कहा था, कौन है अखिलेश वखिलेश, किस बात का अहंकार, तीन राज्य रह गए हैं आपके पास, सिर्फ तीन राज्य,
और भाजपा के पास 12 राज्य हैं जिस पर वो खुद राज कर रही है। किस बात का अहंकार दिखाते हैं पार्टी के नेता? और कमलनाथ तो किस बात का अहंकार दिखाते हैं? कमलनाथ गोदी मीडिया के पत्रकारों को इंटरव्यूज दे रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन ने यह फैसला किया था कि इंटरव्यूज नहीं दिए जाएंगे, मगर बावजूद उसके कमलनाथ ये कर रहे थे। क्या कमलनाथ कांग्रेस से संन्यास लेंगे, राजनीति से संन्यास लेंगे? क्या राहुल गांधी या कांग्रेस आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे हिम्मत दिखाएगी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने नेताओं और उनकी नाकामियों पर कार्रवाई करने को लेकर? आखिर राजस्थान के चुनावों में सचिन पायलट क्यों कोप भवन में बैठे हुए थे? क्योंकि राहुल गांधी ने कोशिश की थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ लाने की, मगर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सचिन पायलट चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम निकले। उन्हें कहीं ना कहीं एक युवा नेता के तौर पर सामने निकलना था, एक्टिव होकर सामने निकलना था, मगर हर राज्य में कांग्रेस दो फाड़ दिखाई दी। बड़ा सवाल यह कि क्या इन नेताओं से निजात पाएगी कांग्रेस? क्या इन नेताओं पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस? क्या राहुल गांधी इस पर आयरन हैंड दिखाकर, सख्ती दिखाकर कोई कार्रवाई करेंगे? अभी भी आप जानते हैं कांग्रेस की क्या हालत है। वो दो कहावतें हैं ना हिंदी की, भागते भूत की लंगोटी सही और डूबते को तिनके का सहारा। इनके समर्थक क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। इनके समर्थक आंकड़े दिखा रहे हैं कि देखो वोटों के लिहाज से हमें भाजपा से ज्यादा वोट्स मिले हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हम में और भाजपा में वोट प्रतिशत को लेकर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अरे भाई, बड़े बूढ़े कह गए हैं जो जीता वही सिकंदर। आपकी हालत बहुत हास्यास्पद हो गई है। आप देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि ये देश एक बेहतरीन ऑपोजिशन डिजर्व करता है। आपको अपने अहंकार के सिंहासन से उतरना पड़ेगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता हैं विजय थोतटिल, उनका एक ट्वीट देखिए। वो कहते हैं कि कांग्रेस को कुल वोट मिले 4,90,69,000 चारों राज्यों में और भाजपा को मिले 4,81,29,325। और फिर वो सभी राज्यों का हवाला देते हैं। वो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, वो राजस्थान की बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और फिर सभी राज्यों की वोट प्रतिशत की भी बात करते हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, कांग्रेस का प्रचार तंत्र इस आंकड़े को भी वायरल कर रहा है। इसमें वो लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को 72 लाख वोट मिले, कांग्रेस को 66 लाख। राजस्थान में भाजपा को 1,65,00,000, कांग्रेस को मिले 1,56,00,000। मध्य प्रदेश में भाजपा को मिले 2,11,00,000, कांग्रेस को मिले 1,75,00,000। तेलंगाना में कांग्रेस को 52,00,000, बीजेपी को मिले 32,00,000। इन आंकड़ों को बतलाने की क्या वजह है? इन आंकड़ों को यह बतलाने की जरूरत है कि देखिए साहब, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है हमने और भाजपा में। वो कह रहे हैं कि हमने अपना वोट शेयर बरकरार रखा है। तो मैं आपके इस मुंगेरी लाल के सपनों की लड़ी को तोड़ दूं। जिन राज्यों में दो तरफा मुकाबला होता है तो दूसरी पार्टी को अमूमन 40% वोट ही मिलते हैं। जब दो राज्यों में सिर्फ दो पार्टियां होती हैं तो इसी तरह का ध्रुवीकरण होता है। इसमें आपने कोई बहुत महान काम नहीं किया है। आपको अभी आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आपको हार का सामना क्यों करना पड़ा है। अभी से लोग ये कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है। और प्रधानमंत्री आज लोकसभा सत्र के पहले दिन, शीतकालीन सत्र के पहले दिन पत्रकारों के सामने आते हैं और कांग्रेस पर ताना मारते हैं। सुनिए उन्होंने क्या ताना मारा, सुनते हैं। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री को भी यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप संसद के शीतकालीन सत्र में
एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट रखेंगे महुआ मोइत्रा के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है विपक्ष उसका विरोध करेगा। अगर आप लोकसभा राज्यसभा में बगैर बहस कराए मुद्दे पारित करवा देंगे तो विपक्ष वो सवाल उठाएगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में पक्षपात करेंगे तो विपक्ष सवाल उठाएगा। मगर जो मैं आपको बतलाने की बात कर रहा हूं वो क्या है दोस्तों, 2024 के लिए कांग्रेस का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी की चुनौती और भी मुश्किल हो गई है और इंडिया गठबंधन में अब तमाम जो नेता हैं वो ताने मार रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो कह ही रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया मध्य प्रदेश में आप इसलिए हारे क्योंकि आपने अखिलेश यादव को कहा था आप अखिलेश वखिलेश हैं। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर ताना मारते हुए कहा है कि यह जमींदारी सोच को त्यागना पड़ेगा। केसी त्यागी जो कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इन चुनावों ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती, यानी कि इंडिया गठबंधन में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यह कहा जा रहा है कि आप हर सीट से चुनाव मत लड़िए, आप सिर्फ उन सीटों से चुनाव लड़िए जहां आप भाजपा को चुनौती दे सकते हैं, बाकी राज्यों में आप जूनियर पार्टनर की तरह बर्ताव कीजिए, आप हालात को पेचीदा मत कीजिए। मगर बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस ये सुनेगी, और उससे भी बड़ा सवाल क्या कांग्रेस आला कमान अपने पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करेगी जिनकी वजह से इन्हें इन राज्यों में, तीन राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। लगभग हर राज्य में पार्टी दो फाड़ है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ राज्यों में कुछ बुजुर्ग नेताओं का जो अहंकार है वो पार्टी को ले डूब रहा है। क्या कांग्रेस आला कमान जिसमें सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्या वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे? सवाल है, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये मुद्दे मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इस देश को जरूरत है एक मजबूत विपक्ष की। कांग्रेस को कहीं ना कहीं सीखना होगा ममता बनर्जी से, तेजस्वी यादव से, अरविंद केजरीवाल से कि भाजपा से कैसे मुकाबला किया जाता है, प्रचार का जवाब कैसे दिया जाता है। अगर आप मुद्दे उठा रहे हैं तो उसकी जमीन कैसे तैयार की जाती है। आज आप हार गए हैं। ईवीएम्स पर दोष मढ़ना, वोट शेयर की बात करना, ये सब बहुत आसान है, मगर हकीकत यह है दोस्तों, जो जीतता है उसी के सिर पर सरताज होता है, जो दूसरे नंबर पर आता है इतिहास में उसे याद नहीं किया जाता। मगर जो अहम सवाल यहां पर पैदा हो रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुकाबले का क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, क्योंकि अगर इन चुनावों में कांग्रेस को जीत मिल जाती तो यह मुकाबला और दिलचस्प हो जाता। मगर अब भाजपा साम दाम दंड भेद से हमला करने वाली है, एजेंसीज और उग्र हो जाएंगी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, और बात वहां नहीं रुकने वाली है। आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन है, मार्च में CAA NRC को लेकर मामले को और उग्र किया जाएगा, और भाजपा को ऐसा लग रहा है कि यह सब करने का, उस पर जहर उगलने का इसके पास लाइसेंस है, क्योंकि उन्हें तीन बड़ी जीत मिली है। और प्रचार तंत्र और मीडिया का क्या हाल है वो आप जानते हैं। आप जानते हैं कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक बहुत बड़े न्यूज चैनल का एक रिपोर्टर भाजपा की जीत पर सड़क पर नाच रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, याद कीजिएगा जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जीत गए थे, भाजपा जीत गई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव, तब एक न्यूज चैनल के अंदर पत्रकार नाच रहे थे जोरों से। इन्हें कोई शर्म नहीं है, मगर यह हकीकत है इस मीडिया की भी, यह हकीकत है इस देश की, यह हकीकत है, यह एक दुविधा है, यह एक चुनौती है विपक्ष के लिए भी कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे मीडिया का सामना करना है। और अब हार, प्रचार, एजेंसीज और आने वाला लोकसभा चुनाव,
इतनी चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, इतनी चुनौतियां हैं विपक्ष के सामने, क्या वो पार कर पाएगा? इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।